रात्रि करीब 1:30-2 के बीच में वहाँ पर जो गार्ड एक आईएसबीटी पर है उसने एक बालिका को देखा कि वो एक उसकी दुकान पर जो मैगी की वहाँ बन रही थी दुकान पर बैठी हुई थी, और इसके बाद देखा कि वहाँ एक व्यक्ति साथ में बगल में खड़ा था, उससे कुछ बातें कर रहा था। उसको संदिग्ध लगते हुए कि रात्रि में इस तरह बच्ची एक वहाँ पर बैठी हुई है, तो उसने वहाँ पर जो 1098 की यूनिट रहती है उसमें एक व्यक्ति रहता है उनको इन्फॉर्म किया। उनका नाम है श्री दिगंबर जी। तो उन्होंने इसके बाद, चूंकि महिला उसमें बच्ची थी, तो उन्होंने अपनी दूसरी यूनिट में जो दूसरी महिला काम करती है जो आईएसबीटी पर थी उसको कॉल करके फिर उसको वहाँ पर बुलाया, और बुलाने के बाद जो बच्ची से प्राथमिक जानकारी करी तो वो अपना नाम पता बहुत ज़्यादा नहीं बता पा रही थी। ये बताया जो प्राथमिक जाँच में उन्होंने लिखा है रिपोर्ट में, उसमें लिखा था कि पटियाला से मैं आई हूँ और मेरे माँ बाप नहीं है। तो ये रिपोर्ट में उन्होंने जो प्राइमरी रिपोर्ट होती है उन्होंने उसको अंकित किया, और इसके बाद जो नियम होता है उनका कि थाने पर बताकर कि बच्चा मिला है और उसको हम चाइल्ड वेलफेयर के सामने प्रस्तुत करेंगे, अपना नाम पता घर का नहीं बता पा रही ठीक से और कुछ मानसिक रूप से परेशान लग रही है, तो इसको हम वहाँ पर काउंसलिंग करके और आपको सूचित करेंगे जो एकदम एसओपी के अनुसार था। इसके उपरांत जब उसको वहाँ पर 3:30 के बाद सारी प्रक्रिया करके वो CWC के सामने जब अगले दिन वो ले जाते हैं, उस दिन भी काउंसलिंग के दौरान उसने अपने आप को कहीं कोई अपने साथ ऐसी कोई घटना के बारे में नहीं बताया और ना ही कोई मेडिकली ऐसी कोई दिक्कत बताई। तो नॉर्मल जो एक जब बच्चों को लाते हैं तो नॉर्मल एक मेडिकल वहाँ पर कराया जाता है, वो नॉर्मल मेडिकल करा दिया गया था। और इसके बाद घर का नाम पता कभी मुरादाबाद, कभी दिल्ली जाना और कभी पटियाला जाना, और कभी अपने माँ बाप को कोरोना के दौरान उनकी डेथ हो जाना या बचपन में ही डेथ हो जाना, और इस तरह अपने भाई और जो घर में परिवार के लोग हैं उनका भी एग्जैक्ट कुछ नाम पता नहीं था, ना ही उसके पास कोई फ़ोन था, ना ही कोई आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी थी जिससे कि उसकी पहचान हो पाए। तो इसलिए 14 तारीख को भी काउंसलिंग के दौरान ऐसी कोई बात नहीं बताई गई। 15 तारीख को क्योंकि वहाँ अलग अलग कमेटी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी काउंसलिंग होती है, वनिता करके उनकी काउंसलिंग होती है, और इसके अलावा CWC के मेंबर्स हैं उनकी भी काउंसलिंग होती है। तो नेक्स्ट डे जब काउंसलिंग की गई तो इसी बात कुछ आई कि उसके साथ कोई गलत बात हुई जैसा उसने बताया। इसके बाद फिर उसकी थर्ड काउंसलिंग हुई, नेक्स्ट डे फिर से करी गई काउंसलिंग। तो जब इस काउंसलिंग के बाद ये चीज़ निकल के आई कि हाँ भाई ये कोई मुरादाबाद में रहने वाली है, अब दिल्ली गई थी और दिल्ली के बाद यहाँ आई, लेकिन माता पिता इसके नहीं है, और इस तरह से ये घटना प्रकाश में आ रही कि इसके साथ कोई घटना ऐसी हुई होगी, और तो इस पर उनके द्वारा एक तहरीर जो है कल साय को जो हमें प्राप्त हुई थी, इसके बाद हमने तत्काल जैसी चीज़ प्राप्त हुई एक टीम का गठन महिला अधिकारी और सभी के साथ हमने बना दिया था इसमें कि वो जाए मौके पर, क्योंकि घटना स्थल भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं था लेकिन आईएसबीटी से चुका वो मिली थी वहाँ से, इसलिए आईएसबीटी से हमने कैमरे को ठगाना शुरू किया। तो बहुत सारी हमें फुटेज मिली, जिस फुटेज में बालिका आराम से वहाँ जगह बैठी हुई मिली, इसके बाद एक व्यक्ति वहाँ पर घूमता दिखाई दिया बगल में, और इसके बाद गार्ड ने जो सूचना दी तो वो करोबरेट हो गई थी हमारी पूरी घटनाक्रम की, इसी तरह से घटनाक्रम हुआ है। तब जब वो सस्पेक्ट को, जब हमारी महिला सस्पेक्टर द्वारा विस्तार से लड़की से पूछा गया तो उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि 5 लोग के साथ के अलग अलग समय में उसके साथ गलत वो काम किया है। इसके आधार पर भी जो आदमी सस्पेक्ट वहाँ घूम रहा था उस फुटेज को लेकर वहाँ के जितने भी हमारे ड्राइवर या काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारीगण आईएसबीटी के आसपास रहते हैं दुकान पर, उन सबसे हमने वेरिफिकेशन कराया कि कोई इसको पहचानता होगा। तब उसकी शिनाख्त हुई कि वो भगवानपुर एक ड्राइवर है, जो एक बस का नंबर दिया कि इस बस का ड्राइवर है और ये भगवानपुर में मूल रूप से रहने वाला है और आज अवकाश पर है, उसकी ड्यूटी ऑफ है और वो अपने घर गया होगा। इसके आधार पर पुलिस टीम हमारी जो सस्पेक्ट था उसकी तलाश में निकल गई, साथ ही साथ जो मुकदमा दर्ज करके मेडिकल की जो प्राथमिक कार्रवाई होती है उसको प्रारंभ कर दी गई रात्रि में। और इस तरह से जब पहले सस्पेक्ट को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक उसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है, इस तरह जो इन्वॉल्व थे वो सारे लोग एक ही उसमें इन्वॉल्व थे, और एक उसमें कैशियर है जो जहाँ पर कैश का पैसा जमा करके हिसाब किताब किया जाता है। तो समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहाँ पर घूमते हुए मिली थी जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ कर यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ ही घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितनी चीज़ें आई हैं, अभी तक जितने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था, 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए पूछताछ के बाद, 5 को हिरासत में ले लिया गया। बाकी जो फील्ड यूनिट हमारी जो FSL की टीम है उसको भी रात्रि में बुलाकर हमने बस के जो भी अगर कोई सैंपल वगैरह FSL से तो वो कलेक्ट करा लिए गए।